हेलो एवरीवन, यू आर अगेन वेलकम इन फिजिक्स शॉर्ट्स। आज आपके लिए की टू सक्सेस का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स। आईसीएसई बोर्ड में मशीन्स नाम का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। आईसीएसई फिजिक्स में चैप्टर 3 है मशीन्स, और मशीन्स में हम पढ़ते हैं सिंपल मशीन्स के बारे में, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लीवर्स। लीवर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। लीवर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 डिफरेंट क्लासेस हम इनको कहते हैं, क्लास फर्स्ट लीवर, क्लास सेकंड लीवर और क्लास थर्ड लीवर। अब इन तीनों क्लासेस के जो लीवर्स हैं, इनको याद रखने में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप जो है आफ्टर योर ग्रेजुएशन जब आप कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, तो वहाँ पर भी लीवर्स के बारे में, इनके क्लास के बारे में आपसे एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं, और इनका जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक लेकर के आपके सामने हाजिर हैं, और समझिएगा क्या होता है। तो लीवर्स को स्टडी करने के लिए एक सिंपल सी बार होती है, एक सिंपल बार रॉड को हम लीवर कह देते हैं। इसमें एक कहीं किसी पॉइंट पर ये पाइवोटेड होता है, जिस पॉइंट के अबाउट ये फ्रीली घूम सकता है उस पॉइंट को कहते हैं फलक्रम। फलक्रम इसको कहते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। एक पॉइंट पर आप लगाते हैं फोर्स, जिसको एफर्ट कहा जाता है, और दूसरे पॉइंट पर लोड अप्लाइड होता है, जिसको ओवरकम करने के लिए एफर्ट लगाया जाता है। तो मान लीजिए कि इधर ऐसे करके लोड अप्लाई कर रहे हैं, जिसको ओवरकम करने के लिए आप इस लीवर का यूज़ कर रहे हैं, और उस लीवर पर आप जो है एफर्ट लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो लीवर से रिलेटेड 3 टर्म्स होते हैं, एक फलक्रम, एक लोड और एक एफर्ट। अब यहाँ पर 3 कैटेगरीज ऑफ लीवर्स को स्टडी करने की एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहे हैं। वो ट्रिक क्या है ये समझ लीजिए। तो ट्रिक ये है, 3 क्लास ऑफ लीवर्स हैं, जिसमें आपको क्या बताया गया, ये F, L और E, आपको ऐसे याद रखना है F, L, E। जिस लीवर में फलक्रम बीच में होगा वो फर्स्ट क्लास का लीवर होगा। तो ये एग्जाम्पल बना हुआ है क्लास फर्स्ट लीवर। जिस लीवर में लोड बीच में होगा वो क्लास सेकंड लीवर होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल बना देते हैं, इधर फलक्रम मान लीजिए, जिसके अबाउट ये लीवर मूव कर सकता है, ये बार मूव कर सकता है, लोड बीच में अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, और इसको ओवरकम करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। मतलब फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड अगर प्रेजेंट होता है, बीच का मतलब मिड पॉइंट नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है, तो अगर ये बीच में होता है तो ये क्लास सेकंड लीवर होता है, क्लास सेकंड का लीवर। और थर्ड के लिए आप याद रखेंगे कि अगर एफर्ट बीच में अप्लाई करना पड़ रहा है बिटवीन एफ एंड एल, तो वो क्लास थर्ड का लीवर है। बहुत सिंपल सा डिस्कशन हो गया, यहाँ पर बना देते हैं। तो ये मान लीजिए फलक्रम वाला पॉइंट हो गया F, और यहाँ पर कहीं लोड है एक्टिंग डाउनवर्ड, और आपको बीच में एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो एफर्ट F और लोड के बीच में है, तो ये वाला जो एग्जांपल होता है इसको हम कहते हैं थर्ड क्लास लीवर, क्लास 3 लीवर, क्लास थर्ड लीवर। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए प्रेजेंट है। अब इसके साथ ही ये एक क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी क्लास का कौन सा लीवर है। तो एफ एल ई याद रखिए, बस एफ एल ई, यही 3 पॉइंट होते हैं। अगर फलक्रम बीच में होगा तो फर्स्ट क्लास लीवर, लोड बीच में होगा सेकंड क्लास लीवर, एफर्ट बीच में अप्लाई करना पड़ रहा है तो फिर थर्ड क्लास का लीवर है। एक एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे सी सॉ, एस डब्ल्यू ई एस ए डब्ल्यू। सी सॉ में बीच में फलक्रम होता है, एक तरफ एक पर्सन बैठते हैं, लोड हो जाता है, दूसरी तरफ से एफर्ट लगाते हैं दूसरे पर्सन। इसका एग्जांपल यहाँ फलक्रम एंड पॉइंट पर है, किनारे पर, लोड बीच में होगा, और ये एफर्ट आप साइड से लगाएंगे दूसरे किनारे से। तो व्हील बैरो इसका एग्जांपल है, व्हील बैरो। व्हील बैरो में क्या होता है, यहाँ पे एक व्हील होता है जो फलक्रम है, बीच में लोड रखा होता है, यहाँ से एफर्ट लगा के उठा के उसको ले जाते हैं। और थर्ड क्लास के लीवर का एग्जांपल अगर यहाँ पर देखें आप, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा फायर टोंग्स या शुगर टोंग्स। फायर टोंग्स भी होते हैं, जैसे किनारे पर ये
फिक्स्ड होते हैं, बीच में आप एफर्ट लगाते हो और दूसरे वाले एंड पर आप चपाती को पकड़ लेते हो। अगर शुगर टोंग्स हैं तो आइस क्यूब्स या आइस क्यूब वाले टोंग्स हैं तो आइस को पकड़ लेते हैं। तो ये सिंपल सा एक आपके लिए ट्रिक प्रेजेंट है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा और आप इसको एंजॉय करेंगे, ईजिली याद रख पाएंगे, लाइफ टाइम आप इसको याद रख पाएंगे। एफ एल ई बस आपको याद रखना है और इससे आपको हमेशा के लिए आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं और एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं। इसी लीवर से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड एक ट्रिक और आपको बताएंगे। मशीन्स से रिलेटेड, मशीन्स की जो कैटेगरी होती है वो थ्री कैटेगरीज की होती हैं। मशीन्स की कैटेगरी थ्री होती हैं, एक फोर्स मल्टीप्लायर, दूसरा स्पीड मल्टीप्लायर और तीसरा होता है जब मशीन को डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट केस में मैकेनिकल एडवांटेज आप सब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन याद रखिए। सेकेंड केस में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन याद रखिए और थर्ड केस में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन याद रखिए। अगर ग्रेटर देन वन हुआ तो फोर्स मल्टीप्लायर है, बस वन से बड़ा है तो मतलब ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, वन से बड़ा है तो फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, फोर्स मल्टीप्लायर हो गया। वन से कम है तो फोर्स ज़्यादा नहीं है लेकिन स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड मल्टीप्लायर है। और अगर वन के इक्वल है तब यहाँ पर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट ये आंसर हो जाता है। आई होप आप इसको याद रखेंगे। बस ये याद रखना है ग्रेटर देन वन, लेस देन वन और इक्वल टू वन। ग्रेटर देन वन में फोर्स मल्टीप्लायर, लेस देन वन में स्पीड मल्टीप्लायर, इक्वल टू वन में टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। सेम बात, बिल्कुल सेम रिलेशन वेलोसिटी रेशियो के लिए भी होता है। तो अगर हम यहाँ पर इसके साथ वेलोसिटी रेशियो भी लिख देते हैं तो यही आंसर होंगे, इसलिए कोई डाउट नहीं करना है आपको। यहीं पे सेम लिख देते हैं, वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन वन, वेलोसिटी रेशियो लेस देन वन और वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू वन। तो आज के लिए ये दो बातें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चैप्टर मशीन से रिलेटेड हैं और आई होप आप इसको याद रखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट किसी चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट सी ट्रिक लेकर आपके लिए फिर से हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।